नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। पश्चिम बंगाल का प्रमुख शहर सिलीगुड़ी, जिसे कोलकाता की दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, या यूं कह लीजिए यह द्वितीय कोलकाता है, लेकिन इस द्वितीय कोलकाता की रेगुलेटेड मार्केट की स्थितियां प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। थोड़ी सी बारिश क्या हुई, आप सबके समक्ष है यह प्रमाण। यहां पे सही जल निकासी का व्यवस्था ना होने के कारण स्थितियां आज आपके समक्ष है, और यह बहुत ही भयावह और आतंकित है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जल निकासी का सुचारू व्यवस्था दुरुस्त ना होने के कारण जब यह बारिश समाप्त होगा तो जो यह तालाब, नदी, पोखर, समुद्र, जो कह लीजिए, उसका रूप ये जो ले लिया है रेगुलेटेड मार्केट, जब जल नहीं निकासी होगा तो यहाँ पे, जैसे कि हम सभी जानते हैं, फल, सब्जी, मछलियाँ, ये सब आती हैं, तो क्या होगा, सड़ेंगे, गलेंगे, और तब जा कर के यहाँ पे नाना प्रकार का दुष्ट भयावह राक्षस जन्म लेगा। राक्षस कहने का तात्पर्य मेरा यह है, बैक्टीरिया, वायरस, जो कभी किसी का मित्र नहीं हुआ, भाईचारा नहीं हो जानता है, प्रेम वो नहीं जानता है, वह केवल एक ही शब्द जानता है और एक ही कर्म जानता है, तांडव, समूल विनाश, रोग उत्पन्न करना। और एक सीरियल आया करता था टीवी में, जो हम लोग सभी देखते थे, शक्तिमान। उसमें एक नकारात्मक चरित्र था, जिस चरित्र का नाम था सम्राज किलवेश, अंधेरा कायम रहे। कुछ वैसा ही भावना और मनोवृत्ति होती है इस वायरस का, इस बैक्टीरिया का। और अभी अभी कोरोना रूपी वायरस को पूरा विश्व देख चुका है, शहर तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे में डर रूपी भावना, इमोशंस सताता तो जरूर है। यह केवल व्यवसायियों को और यहाँ पर रहने वाले श्रमिकों के लिए ही चिंता की सबब नहीं है, अपितु इसके इर्द गिर्द जितने भी माताएं, बहनें, दादा, दादी, चाचा, चाची, भैया, भाभी, बच्चे रहते हैं, उनके लिए भी यह चिंता की सबब है। क्योंकि वायरस जब इसमें से जन्म लेके अपना तांडव मचाना शुरू करेगा तो वह किसी से नहीं पूछेगा कि हम कहाँ अटैक करें। बस जैसे कि हम कुछ पल पहले कह गए, उनका कार्य ही होता है आतंक को फैलाना, बीमारी को उत्पन्न करना, लोगों को रोगग्रस्त करना। तो वह इसकी आज्ञा नहीं लेगा किसी से कि क्या हम ये करें, वो करना शुरू करेगा। तो ऐसी भयावह स्थिति आए हम सबके समक्ष, रेगुलेटेड मार्केट के जो भी आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदाराना पद पे हैं, उनसे मेरी टीम यही नर्म निवेदन और आग्रह करती है कि वैसे स्थितियां उत्पन्न हो उसके पहले इस पे संज्ञान लिया जाए, नहीं तो यह भविष्य में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। हमारा मकसद केवल और केवल एक ही है कि हम सब स्वस्थ रहें, शहर को स्वस्थ रखें, और कोई भी आतंक और भय रूपी माहौल उत्पन्न ना हो। क्योंकि आगे आने वाला समय विश्वकर्मा पूजा, माँ दुर्गा का पूजा, जो सबसे श्रेष्ठ पूजा पूरे विश्व में पश्चिम बंगाल का पूजा माना जाता है,
जगत जननी आदि शक्ति मैया समस्त दर्शकों को खुश रखे और हमें स्वस्थ रखे। जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स के साथ हम पुनः मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।